नमस्कार पशुपालक भाइयों और किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त विकास। किसान भाइयों, जितना भी हम साफ सफाई जो है अपने डेयरी फार्म या बाड़े वगैरह में कर लें, हमारे पशुओं को जो है दोस्तों जूं चिचड़ किल्ली वगैरह लगी जाते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल आम बात है। इसके लिए दोस्तों हम जो है घरेलू उपचार कर सकते हैं, लेकिन अगर समय रहते इसके लिए उपचार न किया जाए दोस्तों, तो ये जो है एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाता है, जिसके कारण से दोस्तों हमारे पशु रात भर सो भी नहीं पाते और जो दुधारू पशु हैं उनका दूध भी कम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमें इसके लिए उपचार करना है और तुरंत ही करना है दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे ही खास नुस्खा बता रहा हूँ दोस्तों, जिसको जो है आप अगर उपयोग करेंगे तो आप अपने पशुओं को जो है दोस्तों जूं चिचड़ किल्ली वगैरह से मुक्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस खास नुस्खे के बारे में। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ, साथ में ऑल को दबाएँ, ताकि आने वाली वीडियोज़ मिल सके आपको सबसे पहले। तो पशुपालक भाइयों, इसमें जो है हमें सबसे पहले जो लेना पड़ेगा वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल प्योर वाला ही इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये जो सरसों का तेल होता है दोस्तों, एक तो ये चिपचिपा होता है, दूसरा इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जिसके कारण से जो जूं चिचड़ किल्ली वगैरह है वो मर भी जाते हैं दोस्तों, और उनकी पकड़ भी कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए जो है इसका इस्तेमाल करना है। लगभग जो है हमको इसको 300 ml लेना है दोस्तों, इतनी ही मात्रा आपको लेनी है, क्योंकि अनुपात में ये गलत नहीं करना है दोस्तों, आपको जो है सही मात्रा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों हमें लेना है लगभग 25 ग्राम कपूर। कपूर की खुशबू ही ऐसी होती है दोस्तों, जिसके कारण से जो मक्खी वगैरह हैं, जो भी जूं चिचड़ किल्ली वगैरह हैं, वो एक तो पास नहीं आ पाते, और अगर आ भी जाते हैं दोस्तों तो वो भाग भी जाते हैं। तो इसलिए जो है ये कपूर जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है जूं चिचड़ किल्ली वगैरह को मारने के लिए भी, और मक्खियों को पशुओं से दूर रखने के लिए भी। तो इसको डाल करके दोस्तों हमें जो है इसके घुलने का इंतज़ार करना है। जब तक ये घुलता है दोस्तों, तब तक जो है हमें एक और सामग्री लेनी है, वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी जो होता है दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे एंटीबायोटिक गुण होते हैं, इससे ये सभी कीटाणुओं को मारता है दोस्तों, यानी कि एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। तो इसे जो है दोस्तों हमें बिल्कुल कूटना है, अच्छे तरीके से पाउडर बनाना है, ताकि जो है इस मिश्रण में घोल सके। तो चलिए इसको भी जो है दोस्तों इसमें डाल देते हैं। इसकी मात्रा दोस्तों यहाँ पर हमको लेनी है लगभग 30 ग्राम के आसपास, 30 ग्राम की मात्रा लेनी है दोस्तों। तो इसको भी डालकर जो है दोस्तों हमें अच्छे तरीके से मिलाना है। तो चलिए इसे हम मिला लेते हैं, और इसे मिला करके दोस्तों हमें जो है एक और चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक जो होता है दोस्तों, इसमें भी जो है दोस्तों ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण से जू चिचड़ किल्ली वगैरह जो है वो या तो मर जाते हैं या तो भाग जाते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल करना है। लगभग जो है यहाँ पर हमको इसका 30 ग्राम लेना है दोस्तों, और अच्छे तरीके से बारीक जो है पीस करके इसको भी जो है सामग्री में मिला देना है। इसमें जो कपूर इस्तेमाल किया दोस्तों, उसको जो है थोड़ा घुलने में समय लग जाता है। अगर आप जो है इसको जल्दी से बनाना चाहते हैं, कपूर को जो है दोस्तों अच्छे तरीके से कूट करके इसमें मिलाएं, जिससे जो है ये जल्दी से घुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अब ये तैयार है, इसको अब हम अपने पशुओं में लगा सकते हैं। और इसे लगाने का तरीका ऐसा दोस्तों कि इसे जो है हमें अपने पशुओं को नहलाने के 2 से 3 घंटा पहले अच्छे तरीके से लगाना है, पूरे उनके शरीर में लगाना है दोस्तों, कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है। और ऐसे ही जो है दोस्तों हमें लगातार जो है 7 दिन तक करना है, और उसके बाद में जो है हर हफ्ते में एक बार इसे जरूर करना है दोस्तों, जिससे जो है हमारा जो पशु है वो जू चिचड़ किल्ली वगैरह से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा।